गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ। आज है एरोबिक्स की छुट्टी, मेरे को तो पता नहीं था छुट्टी है। मैं तो आराम से सुबह उठ रही थी तो दीक्षा ने बताया कि मम्मी आज ऑफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, लग गए हैं अपनी रसोई में ही। ये देखो दूध। सरिता, आज तू मेरे से छिट जाएगी। आंखें बंद करके काम करती है, दूध निकल जाता गैस पे। मेरे को किचन में मैंने खड़ा कर रखा, पूरी जिम्मेवारी किचन की तेरी है देखने की। मेरा ध्यान सिर्फ बर्तन पे रहता, नहीं तो तब भी छित जाती। गुड मॉर्निंग, हो चुकी है सुबह सुबह। मैं अपना बी प्राग वाला लाइव कॉन्सर्ट वाला व्लॉग देख रही हूँ, जो कि मैं बहुत बार देख सकती हूँ। एंड थोड़ी बहुत धूप निकलनी शुरू हो गई है। प्रिया के यहाँ जाएंगे, 1:30 बजे करीब निकलेंगे, तो वो सारे के सारे रेडी होंगे। देखते हैं कौन कार से जाएगा, कौन कैब से जाएगा। एंड वहाँ पे देखते हैं कितना व्लॉग बना पाएंगे, कितना नहीं बना पाएंगे। जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो आपको दिखाएंगे। एंड मैं जाती हूँ, मैं अपर लिप्स कराऊँगी एंड एक दो और मेरे को काम है छोटे मोटे, तो वो निपटा के फिर रेडी होते हैं। और समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ, अभी तक मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे पहनना क्या है। तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे खड़ा हो जाता हूँ जब तक तू कपड़े सुखा रही है, पता नहीं क्या क्या गिरेगी। और एक ध्यान रखियो, अगर तू गिर गई तो पॉसिबल नहीं है, ऐसी टोकरी नहीं बनी जिसमें तेरे को डाल दूं और ऊपर खींच ले कोई। तो तुम लड्डू बांटना ना, मैं गिर गई तो फूट जाऊंगी। अरे ये पहली मंजिल से क्या लड्डू बटेंगे, चौथी से भी गिरी ना तो सड़क में गड्ढा हो जाएगा। 11वीं 12वीं मंजिल से गिर तो बेनिफिट हो, मेरे को बाउंस बैक हो जाएंगी। हाँ इधर गड्ढा हो गया तो वो भी MCD वाले मेरे पे क्लेम कर देंगे। 11वीं 12वीं फ्लोर में मकान देखिए, मैं कह रही हूं चेंज करो। बहन सेम कैटेगरी वाले लोग नहीं बोलते जिनके खुद के घर कांच के, वो नहीं बोलते। सही बात। ये टोकरा हो चुका है रेडी, जो कि नकुल करा के आए जीजू के साथ जाके। एंड विद दिस मैं नहा ली हूँ, मैंने अपनी जैकेट पहन ली क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो मैं फिलहाल जा रही हूँ अपना स्पेक्स लेने और अपर लिप्स कराने। तो फटाफट से लाते हैं अपना स्पेक्स और कराते हैं अपर लिप्स। हो गया स्पेक्स रेडी? ये मत बोलना कि नहीं हुआ यार, ऐसे मत बोलो। चाहिए मेरे को अभी, मेरे को जाना है कहीं और, ये मेरे को छुप रहा है वाला स्पेक्स। पूछ लो कितनी देर में आएगा मेरा स्पेक्स, मुझे मिलेगा शाम को। चलो फिर चलते हैं घर और निकलते हैं प्रिया के यहाँ, क्योंकि 1:30 बज चुका है और आगे सबसे ज़्यादा लेट मैं ही हूँ। मम्मी जल्दी से बनाओ करारा सा लिफाफा। तो गाइस हम जा रहे हैं प्रिया के घर, बनाओ पैसे दो। सो हम लोग कुछ भी गिफ्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं, हम लोग सब कुछ देंगे कैश, क्योंकि हमने गुल्लू को भी कैश दिया था और कैश मुझे लगता है बेस्ट रहता है। अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे वो खरीद लो। सो गाइस ये गुल्लू की कंजक और ये प्रिया मैडम का। तो चलिए नकुल जी सारा सामान नीचे उतार रहे हैं और मैं लगाती हूँ गाड़ी में सारा सामान। चलो गाइस गुल्लू को गुल्लू की कंजक देने चलते हैं, पैर छू के आते हैं गुल्लू के। बहन सबसे स्मार्ट कौन लग रहा है? गुल्लू की कंजक, जीजू की मूछे, पूरी सेट हो गई है लड़के की मूछे। बहन यार क्या यार, ठंडी कितनी है। एक का सिक्का गिराया तूने हमारा। अच्छा उठाइए, सॉरी जा। अब इसको मिर्ची नहीं लग रही। अरे मेरा पोरा पोरा खो जो मैं इसको दे देख, ठंडी है खुद ही पकड़ा देगी तेरे को। चलो भाई चलो आशु गाड़ी। नकुल को देख, ओए आशु को दिए। गुल्लू गुल्लू पी 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 पी, गुल्लू पी पी बजाओ पी पी। मेरा बच्चा गुल्लू मासी को पारी कर दे, मासी को पारी कर दे, मासी को पारी कर दे। मैं नोने मासी को पारी नहीं करेगा, पी पी बजाएगा, पी पी बजा दे, पी पी कर दे। कर पी पी बजाओ, इसको ऐसे बजाओ।
गाड़ी चलाओगे? आप कुछ सिखा देंगे हम कार? ओ वाह गुल्लू बोलो मम्मा बैठो। गाइस पूरा फुल सामान भर दिया गाड़ी में, हम सारे जाएंगे कैब से, भावेश ड्राइव करेगा बेचारा मेरा भाई। नकुल जी ने केक भी ले लिया है, वन मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन। मैं चला जाऊं क्या हुआ है, क्या कर रही है ये? हाय रे कितनी क्यूट लग रही है। चलो 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 आओ गुल्लू गाड़ी चलाओ। गुल्लू दादू को कॉल करो गाड़ी गिफ्ट करें। गुल्लू कॉल दादू, ही विल गिफ्ट यू। गाड़ी चला ली आ गई है तो कृपया करके गिफ्ट कर दो। हाँ अब तो बनता है। तो चाचा जी ने पहले भी करी थी, गलती हमारी हुई है जो चोरी हुई है। बात तो सही है पर कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो गई, एक और गिफ्ट कर दो। चल नकुल मैं चल तो रही हूँ, चलो। सॉरी गाइस ये केक जीजू की तरफ से, नकुल की तरफ से नहीं है, नकुल तो बेशर्म है। जीजू लेके आए हैं केक। लाया नकुल है। क्या बोले जा रही हो, कंफ्यूज मत करो भाई, मेरे को मिठाई का डब्बा लेना था। हाँ मैंने कहा यार केक बेस्ट है। हाँ ये भी ठीक है आपका। हेलो बढ़िया। सो गाइस हम ई रिक्शा में बैठ गए, हमें कुछ नहीं मिला तो हम ई रिक्शा से जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। हमें जो मिला हम बैठ गए उसी में। जीजू की पूछे, आशू की पूछे, हमारा अलग ही स्वैग चलता है जीवन में। हमारी 7 सीटर BMW। गाइस इस लड़के ने धोखा दिया इन लोगों को, ज्यादा स्मार्ट बन के है नहीं इसने। मासी को, मासी को आ आ, गुल्लू ने पिया आ आ। पहले इसने जुटी करी, इसने पैंटी उठाई फिर तो कोई नहीं आ। ये वाले ये डी सही है। थैंक यू मम्मा। मम्मा बस और